बच्चों, आज हम पंचतंत्र की नई कहानी शुरू कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है हाथी राजा और बुद्धिमान खरगोश। बहुत समय पहले की बात है, हाथियों के राजा गजराज का जंगल में राज था। एक बार बारिश बिल्कुल नहीं हुई, उसके राज्य में एक बार सारी झीलें सूख गई। सारे हाथी गजराज के पास सहायता मांगने आए। वे सब पानी के बिना मरे जा रहे थे। गजराज ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम लोगों का राजा हूँ। तुम लोगों की आवश्यकता का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। तुम लोगों को पानी की कभी कोई कमी नहीं होगी। मैं एक ऐसी गुप्त झील के बारे में जानता हूँ जो हमेशा पानी से भरी रहती है। चलो वहीं चलते हैं। सारे हाथी उसी झील की ओर चल दिए, लेकिन रास्ते में मिलने वाले खरगोशों को वह अपने पैरों तले रौंदते गए। ये खरगोश वहां सैकड़ों साल से रहते आ रहे थे। सैकड़ों खरगोश मर गए और हजारों घायल हो गए। खरगोश बहुत चिंतित थे। उनमें से एक ने कहा, हाथी बहुत बड़े और भारी हैं। हम तो उनके सामने चींटियों जैसे हैं। वे तो अब हर दिन पानी के लिए उस झील की ओर जाया करेंगे और हमें इसी तरह से कुचलते रहेंगे। उनकी तो निगाह हमारे तक पहुंचती नहीं है। अगर हमने जल्द कुछ नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। हमें किसी ना किसी तरह से हाथियों का झील तक जाना बंद करना पड़ेगा। समस्या ये है कि वे भी पानी की कमी से परेशान हैं, इसलिए वे हमारा अनुरोध नहीं मानेंगे। एक चतुर खरगोश ने एक समझदार भरी योजना बनाई। रात को वह गजराज के पास गया। वह बहुत सतर्क था, क्योंकि अगर गजराज गुस्सा हो जाता है वह सबको मार डालता। उसने पूरे आदर के साथ गजराज को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मुझे चंद्रदेव ने भेजा है। ये झील उनकी है और उन्होंने आप लोगों को इस झील का पानी पीने से मना किया है। अच्छा, लेकिन तुम्हारे चंद्रदेव है कहाँ? आश्चर्य में पड़े गजराज ने पूछा। खरगोश गजराज को उसी झील के पास ले गया और झील में चंद्रमा की परछाई दिखाई हुए बोला, महाराज, वे रहे चंद्रदेव, वे दिख रहे हैं ना? गजराज ने झील में देखा और विनम्रता पूर्वक जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ दिख रहे हैं महाराज। अब चुपचाप यहाँ उनको प्रणाम करके चले जाइए, अन्यथा वे अगर नाराज हो गए तो आपके और आपकी प्रजा के लिए बहुत बुरा हो सकता है, खरगोश बोला। खरगोश की बात पर विश्वास करते हुए गजराज ने चंद्रमा की परछाई को प्रणाम किया और जल्द ही वहां से चला गया। उसके बाद उस झील पर हाथी कभी नहीं आए और सारे खरगोश अपने अपने स्थानों पर हंसी खुशी से रहने लगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी?